हाल के दिनों में युवा और मध्यम आयु वर्ग के स्वस्थ भारतीयों में दिल का दौरा और स्ट्रोक आने के मामले तेजी से बढ़ते दिखाई दिए, जो चिंता का कारण बन रहे हैं। हाल ही में लोकल सर्कल्स के एक सर्वे में पाया गया कि एक साल के अंदर बीमारियों का प्रतिशत 31% से बढ़कर 51% हो गया है। स्टडी में ये भी पाया गया कि लोगों के करीबी नेटवर्क के 61% लोग जो गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं, वो एक बार या उससे ज्यादा बार कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, जबकि 28% ने कहा कि उनके कॉन्टैक्ट में स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ने वाले लोगों को कोविड नहीं हुआ था। इस सर्वे में भारत के 357 जिलों के 32,000 लोगों ने भाग लिया था। बेंगलुरु में स्थित नारायण हेल्थ के मुताबिक अलग अलग स्टडी में स्ट्रोक को कोविड-19 के लक्षण के रूप में देखा गया है, जिसमें सामने आया कि कोविड-19 के 0.9% से 23% मरीजों को स्ट्रोक आया।